लेकिन हम ये कह रहे हैं कि अगर हम यूपी की ही बात कर लें तो यूपी में इस बार तो बहुत अच्छा रिजल्ट रहा है अपोजिशन के लिए। कांग्रेस पार्टी ने कभी स्ट्राइक रेट ठीक ही है, जितने पे लड़े बेचारे उसमें से सीटें आई, समाजवादी पार्टी की अच्छी स्ट्राइक रेट रही है। मेरा ये कहना है कि सरकार पर दबाव बनाने के लिए मैं एक अकेला मीडिया समूह हूं जो फाइट कर रहा पूरे देश में, अकेला लड़ रहा हूं और अपनी क्षमता के अनुसार जितनी ताकत है उतनी मजबूती से मैं लड़ रहा हूं। ये आप देख रहे हैं, इतने सालों से देख रहे हैं। इसमें कोई शक नहीं है कि सरकार लिप सर्विस कर रही है। चुनाव के दौरान जब आपको मौका मिला आपने अपने मताधिकार का प्रयोग किया और सरकार को सबक सिखाया भी, सरकार इस बात को स्वीकार भी कर रही। मेरा लेकिन यह मानना है कि जो पार्टियां अपोजिशन में हैं वो क्या कर रही है, उनके ऊपर दबाव कैसे बनाया जाए, उनको कैसे कहा जाए कि आपका हॉनीमून खत्म हो गया, अब आप भाग गए, या आप हमारा साथ देंगे, या आप मजबूती से पार्लियामेंट में इस मुद्दे को उठाएंगे कि सहारा के निवेशकों का पैसा कब तक देंगे, ये बताइए। ऑन द फ्लोर ऑफ द हाउस रिकॉर्ड में क्या ये नेता पूछेंगे प्रधानमंत्री से और गृह मंत्री से, आप पैसा कब देंगे, आपने ईडी का जो छापा मारा है उसका क्या क्या फलितार्थ है, हुआ क्या है, ये पूछना चाहिए या नहीं पूछना चाहिए? हाँ बोलिए नायक साहब, बोलिए। सर आपका कहना सही है, आपकी नीति नियति जैसे है संस्कार, आप वही विचार रखेंगे और रखना भी चाहिए। हम आपको धन्यवाद देते हैं इस मंच के माध्यम से, एक कम से कम आप ये बात उठा तो रहे हैं, कम से कम आपने ये साहस आपके चैनल में और आपने ये उठाने का प्रयास किया, अध्यक्ष जी को प्रणाम। तो मैं ये कह रहा था कि देखिए साहब, बात और पार्टियां क्यों नहीं उठा रही है, ये आपने बहुत अच्छा प्रश्न है और ये इस प्रश्न की आवश्यकता। कंपनी में ऐसी कोई पार्टी नहीं है जिसको चंदा ना दिया, चाहे वो राहुल गांधी हो और चाहे वो अखिलेश यादव की पार्टी, तो खैर उनके उसमें ही है वो, सहारा और समाजवादी पार्टी तो एक ही है तो उस पर तो चर्चा ना करें। चाहे आरजेडी हो, चाहे कांग्रेस हो, चाहे कोई भी पार्टी हो, लेफ्ट हो, कोई भी पार्टी हो, कंपनी ने सबको पैसा दिया है मुंह चुप रखने के लिए। आज अगर संसद में, मैंने अभी मीडिया के हाउस के जरिए ये प्रश्न उठाया था कि आखिरकार विपक्ष की पार्टियां संसद में प्रश्न क्यों नहीं उठा रही हैं, संसद ठप क्यों नहीं कर रही हैं, ऐसे अनावश्यक विषयों पे तो संसद ठप कर देते हैं राहुल गांधी, अनावश्यक विषयों पे तो ये कहना चाहिए संसद की कार्रवाई रोक देते हैं, उसको हो हल्ला में तब्दील कर देते हैं, बाहर निकलाते हैं, काली पट्टी। 165 करोड़ लोग प्रभावित हैं, राहुल गांधी को शर्म नहीं आ रही है, उनकी पार्टी को शर्म नहीं आ रही है कि इससे अच्छा मुद्दा कोई देश में हो सकता है? तुम शुभचिंतक बनते हो उस देश के कि साहब भाजपा ने, तो तुमने कौन सी कसर कर दी, तुमने आज तक क्यों नहीं प्रश्न उठाया? ये भारत के 165 करोड़ जनता पूछ रही है आपसे, राहुल गांधी जी, माननीय सोनिया गांधी जी, माननीय प्रियंका गांधी जी और माननीय खड़गे जी, इस देश की 165 करोड़ जनता पूछ रही है कि आपने क्यों नहीं सहारा इंडिया के 165 करोड़ पीड़ित लोगों की आपने आवाज क्यों नहीं बने? अगर आप आवाज बनते तो आज आपकी सरकार बनती इस देश के अंदर, लेकिन वही आपने 200-500 करोड़ के पार्टी फंड के चंदे के चक्कर में आज आप अपनी सरकार गंवा बैठे। भले ही आप हमारे ऊपर कोई कानूनी कार्रवाई करने को तैयार हो जाए, हम कानूनी कार्रवाई से लड़ने को तैयार है, लेकिन जितना सत्तारूढ़ पार्टी अगर जिम्मेदार है सहारा पीड़ितों के भुगतान के लिए, उतनी विपक्षी पार्टियां भी जिम्मेदार हैं। इन 165 करोड़, इनने आवाज नहीं उठाई आशुतोष जी, इनने कंपनी से पैसा खाया है और भर भर के पैसा खाया, एक एक सांसद ने, एक एक मंत्री ने, केंद्रीय मंत्री ने, और अच्छा, एक पार्टी फंड में पैसा नहीं। अब हम ड्यूएबल्स पे बात कर रहे हैं कि अब क्या क्या किया जाना चाहिए, क्या क्या कर सकते हैं सब लोग मिल करके, एजेंट, निवेशक सब मिल करके क्या कर सकते हैं ताकि जल्द से जल्द ये काम हो। कानून का रास्ता अख्तियार हो रहा है,
आपको मालूम है इस देश में अदालतें कैसे काम करती। मेरा यह मानना है कि अगर सरकार पे दबाव बनाया जाए तो सरकार इस पर आगे बढ़ेगी। अगर हर जिले में, देश के सभी जिलों में, आप लोगों को तो ज्यादा जानकारी होगी कि किस जिले में निवेशकों की संख्या कितनी है। तमाम देश का ऐसा कोई राज्य नहीं है जहां सहारा का ऑपरेशन नहीं होगा। लगभग राज्य में 15-20 स्टेट में तो जरूर होंगे। तो किस जिले में कितने निवेशक हैं, कितने फील्ड वर्कर हैं। अगर उस जिले में मान लीजिए कि बस्ती है, बस्ती में मान लीजिए कि 10 लाख निवेशक हैं, या 5 लाख निवेशक हैं, या 1 लाख निवेशक हैं। अगर 1 लाख निवेशक जिला के डिस्ट्रिक्ट कलेक्ट्रेट को घेराव करता है, अब डिस्ट्रिक्ट कलेक्ट्रेट ये नहीं कह सकता है कि नहीं नहीं ये मामला तो सेंट्रल गवर्नमेंट का, भैया सरकार के कानून के अधीन सहारा ने अपना ऑपरेशन चलाया और उसी कानून के अधीन लोगों ने उनको पैसा दिया, और उस कानून के जो आप हैं, जो डिस्ट्रिक्ट एडमिनिस्ट्रेशन है, वो एक एजेंट है जो कि डिस्ट्रिक्ट में बैठा हुआ है, केंद्र सरकार का या स्टेट गवर्नमेंट का। तो उनको अगर आप ये सारे लोग मिलकर के बोलते हैं कि साहब ये कब तक आप हमारा ये देंगे, ये देते हैं जब तक आप नहीं देंगे, हम आपसे ये गुजारिश करेंगे कि आप ये लिख करके केंद्रीय गृह मंत्री को दीजिए और सहकारिता मंत्री को दीजिए। अगर आप शांतिपूर्ण तरीके से अपना आवेदन उन तक पहुंचाएं, संख्या बल से जाएं, उनको बोलें कि ये आपको करना पड़ेगा, तो वहां वो भी पहुंचेगा। और तब क्या होगा कि देश भर के निवेशक और एजेंट, अभी जो सब लोग स्टैंड अलोन फाइट करते हैं, आपका एक ऑर्गेनाइजेशन है जिसमें आप हैं, सतीश जी हैं, अभय जी हैं, इस ऑर्गेनाइजेशन से अभी तक मुझे नहीं मालूम है कि कितने लोग जुड़े हैं, या जुड़ भी रहे हैं या नहीं जुड़ रहे हैं। मैं तो अपना काम कर रहा हूं, लेकिन ऑन द ग्राउंड तो आपको ही जाना पड़ेगा, ऑन द ग्राउंड तो लोगों से खुद से आपको ही मिलना पड़ेगा। उसमें कितने लोग आपके साथ आ पाए हैं, स्कैटर्ड है अभी पूरा ना, कोई बिखरा हुआ है। एक निवेशक राजस्थान में है, एक निवेशक हिमाचल में है, एक निवेशक मध्य प्रदेश में है, एक निवेशक झारखंड में है, एक निवेशक उत्तर प्रदेश में है, महाराष्ट्र में है। इस तरह से निवेशक जो हैं वो एक प्रकार से बिखरे हुए हैं। तो सारे निवेशकों को एक प्लेटफॉर्म पे ला करके तब अगर आप दबाव बनाएंगे तो मैं समझता हूं कि आपका काम सही हो जाएगा। और जब ये दबाव बनेगा तो निश्चित रूप से आपको सरकार कहेगी कि हाँ हम ये कदम उठा रहे हैं, ये काम कर रहे हैं, हमने अभी छापा मारा है, छापा मारने के बाद ये डॉक्यूमेंट सीज किए हैं, हम प्रॉपर्टी अटैच करने की, देखिए बिना प्रॉपर्टी अटैच किए हुए पैसा देना मुश्किल है। सतीश जी आपको कोई और तरीका दिख रहा है, क्या तरीका आप सुझा सकते हैं सरकार को? अभी नायक साहब ने कहा कि सब झूठ बोल रहे हैं, झूठ तो सब बोल ही रहे हैं, इसमें तो कोई शक नहीं है, लेकिन अब सवाल है कि झूठों से ही आपको काम करवाना है, दिक्कत यह है, तो क्या करवाएंगे? नमस्कार, लाइव में जुड़े हुए सभी साथियों को। देखिए पाटिल जी, हमको तो ऐसा लग रहा है शायद हिंदुस्तान में दूसरी ईडी है ये। पहले एक ईडी वो हुआ करता था जो केजरीवाल पर छापा मारा था और उनको 24 घंटे के अंदर जेल के अंदर भेज दिया था। आज सहारा इंडिया के मैनेजमेंट के खिलाफ 4,000 FIR कर दी है और ईडी ने छापा मारने के बाद एक भी मेंबर को जेल के अंदर तलाक होती चली गई। या भारत सरकार दूसरी हो सकती है, ईडी दूसरी हो सकती है, मुझे ऐसा जैसी लगता है। और जो हमारे संजय जी ने कहा विपक्ष के लोग, मुझे ये भी लगता है कि यहाँ पर भी विपक्ष के लोग अलग हो। जो राहुल जी लोकसभा के अंदर शिव जी की फोटो और सरदार जी की फोटो, बोस जी की फोटो दिखा रहे थे, लेकिन ये नहीं दिखाया देश का पूरा ठग मंडली, एक भी आदमी को आज दिन तक कोई कार्रवाई नहीं किया, न विपक्ष कहीं बोला, न सत्ता पक्ष ने कुछ किया। तो मुझे तो ऐसा लगता है कि इसमें कानून दो बने हुए हैं, एक राजनेताओं के लिए अलग बना हुआ है और जो 140 करोड़ जनता है उसके लिए शायद कानून अलग बना हुआ है।
वो तो क्या कहते हैं, एक देशी भाषा में कही जाती है नाजायज औलाद है, ऐसा कहा जाता है, शब्द कहा जाता है। तो ये जो 40 लोग तो कोई माई बाप इनका कोई है ही नहीं है, मुझे ऐसा कैसे लगता है। नहीं तो ईडी का छापा पड़ने के बाद आज तो जो 100 लोगों की संख्या बताई जा रही है, 100 लोग जेल के अंदर होना चाहिए था, क्यों नहीं किया ईडी ने, और क्यों नहीं करना चाह रही है। अब हम भारत सरकार के पास क्या क्या कह सकते हैं, क्या भारत सरकार हमारी बात को मानेगा? हम तो जनता के माध्यम से बात मनाने की कोशिश करेंगे। गन्ने की कड़ी बुनियाद जिसे मराठी में खुड़किया और कुछ उत्तर भारत के क्षेत्रों में खुटकी भी कहा जाता है, उसे केवल भोलानाथ का 2-in-1 बैटरी ऑपरेटेड हार्वेस्टर कम ब्रश कटर आसानी से और बिना रुकावट के काट सकता है।